ओके okay, एक पोयम है एक उसका नाम है नो मैन आर फॉरन ओके इस पोयम के बेस पे हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है हमें इसका आंसर देना okay? है ओके क्वेश्चन है हमारा हाउ इज द इनोसेंस आउटरेज ओके तो जो इनोसेंस होती है जो मासूमियत होती है किस तरह से वो आउटरेज होती है मीन्स इंसल्टेड होती है ऑफेंडेड होती है या हर्ट होती है किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमें इसका आंसर देना है और ये आंसर जो पोएम है नो मेन आर फॉरन उसके बेसिस पे होना चाहिए सो लेट सी द आंसर इन द पोएम नो मेन आर फॉरन द पोएट जेम्स किर

किसी के भी साथ चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी पार्ट से जो है बिलोंग करता हो और वो लोगों से प्लीट करते हैं वो प्लीट करते हैं मीन्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि वो जो ब्रदरहुड है उसे मेंटेन करें और इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस होना चाहिए और पोएट पोएट जो है ऑथर है जेम्स किरकप ये यह यहाँ पे इस बात पे भी स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो एक अवेयरनेस होती है अवेयरनेस बिल्डिंग पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए दैट दैट अर्थ अर्थ इज द द लैंड हैज बीन गिवन टू ऑल मैन इक्वली मींस जो है वो हर पर्सन का इक्वल है मींस जो भी यहां पे अवेलेबल है वो हर पर्सन को इक्वली दिया है नेचर ने ओके मदर नेचर की अगर हम बात करते हैं तो वो इक्वली सबको ट्रीट करती है इट इज द दाइड्रेड एंड एंग्विश इन नेचर ऑफ द पीपल विच इज मेकिंग द पीस वॉक ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि किस लोगों का जो हैड्रिट नेचर है या एंग्वलिश नेचर है वो यहाँ पे जो है जो पीस वॉक है मींस की जो शांति है इस पृथ्वी के ऊपर जो शांति है उसको जो है पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन मींस यहाँ पे बर्बादी की तरफ लेकर जाती है एंड द डिस्टिंगशन मेड बिटवीन द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू एनदर हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द पीस और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहाँ जो भेदभाव होता है लोगों के बीच में कंट्रीज के बीच में वो क्या होगी पीस जो होती शांति की एंड शांति की समाप्ति के लिए यहाँ रिस्पॉन्सिबल होती है एंड द इनसेंस ऑफ द पीपल विटनेस एंड आउट व्हेन द पीपल स्टार्ट टू द पीपल ओके तो जैसा कि अगर हम कंट्रीज के पिटमिट में देखा जाए तो हम देखते हैं कि व्हाइट एंड ब्लैक का हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है ओके okay? बहुत सारे लोग कॉन्टिनेंट के बेसिस पे मीन्स जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पे होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु लिव इन एशियन कंट्रीज ओके साथ ही साथ जो साउथ uh, अफ्रीकन जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स होते हैं African people, उनको बहुत ही ज्यादा बिलोंगिंग टू अदर नेशन वेरी फाइन तो यहाँ पे कहा गया है जो पोएट है वो लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं वो लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग हैं अदर पीपल ऑफ द वर्ल्ड है उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए ऑफ देम बिलोंगिंग टू अदर नेशन बिना इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कौन किस कंट्री से बिलोंग करता है ओके सो दिस इज द आंसर क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर